दो बेच दिए, हाँ जी हाँ जी, अब दो ही बचे हैं। हाँ देखिए जी मेंढा अभी आग के पास आ गया है, मारता हाँ है ये जी। तो हाँ मारता है, ले जाता है ये इसने कुछ जहरीला खाया है। मटन बना हुआ है। मटन? हाँ अच्छा। हरिओम दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ गद्दी भेड़ पालकों के डेरे में। डेरे में मैं पहुंच गया और भाई के साथ अभी पानी लाने जा रहा हूँ सुंदरी पे। नीचे डेरे में, सॉरी डेरे में नहीं, खाई में इनकी भेड़ बकरियां चर रही हैं। थोड़ी देर में ये माल को लेके पहुंच जाएंगे डेरे में। ये कितने हैं घोड़े? अच्छा एक पीछे भी आ रहा है। लाएगा वो तू? मीट नहीं खाता मैं, नहीं टूट रहा है, पक्का है ये तो। कौन सा डूई? क्या बोल रहे हो? अच्छा ड्यू, अच्छा ड्यू, तो चलते हैं। जापान से गलत हो गया यार। कोई बात नहीं, तो ड्यू ले आते हैं इनके लिए। अंकल जी ठंडा है? ओ नीचे जाना पड़ेगा, वहां है मार्केट एक। अंकल जी ठंडा आया? ड्यू ड्यू बड़ी बोतल दे दो, एक दो दे दो, चालीस चालीस वाली। और तारा बीड़ी है कितने वाली है? पंद्रह कम पंद्रह, पंद्रह दुनी तीस, तीस 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 नब्बे, दस वाली भी है। बीस बीस के पांच दे दो। ये बीस बीस वाले पांच लाया मैं। इतने खर्चे क्यों कर रहे हो? बीजेपी का आज नहीं सरकार में, नहीं नहीं कंट्रोवर्सी नहीं, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करनी है। अच्छा जीना हराम हो गया यहाँ ना, रात को सोने को ठंड है ना, टेंट दे, टेंट का सुविधा है हमारे पास, बकरी वालों का तो कोई नहीं सुनता है। 500-600 पेट बकरी है। इस फीमेल ने दिए हैं बच्चे, फिलहाल दो ही बच्चे हैं, दो तो बेच दिए, दो बेच दिए। हाँ जी, अब दो ही बचे हैं। देखिए मुझे दोनों पड़ेंगे यार, वैसे ये है इनका बॉन डॉग, बाल झड़ गए हैं इसके क्योंकि गर्मियां आ गई हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त है। क्या नाम है इसका? बड़ा मुंडा। बड़ा मुंडा ओए बड़ा मुंडू, इस भेड़ ने पॉइजनस प्लांट्स खा लिए हैं तो अभी यहीं पे बैठ गई है, इंजेक्शन लगा रहे हैं अभी इसको। चाय मंगवाए देखिए।
सरसों का तेल है भाई। ये इनका मेंढा भी आग के पास आ गया है। मारता है ये तो? हाँ मारता है, नचाता है। मारेगा तो मुझे, सींग बहुत जबरदस्त है इसके। क्या नाम रखा है आपने? लस। लस लस नहीं, उलस। उलस, उलस। अच्छा उलस।, उलस। एक साल की बकरी है इनकी। देखिए इसकी जो जीभ है बाहर निकल गई और स्वेलिंग भी आ गई है। स्वेलिंग बहुत आ गई है, इसने कुछ जहरीला खाया है। अभी मैं लगा रहा हूँ इसको डेक्सा, इंजेक्शन हमने लगा दिए। कल इसको लेक्सा बल्क भी दे देंगे और जीभ में तो ये पानी लगाते रहेंगे इसकी। और आज चांद भी बहुत सुंदर आया है और ये ठीक हो जाएगी। इसने दरअसल कुछ पॉइजनस खा लिया है, इसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। इंजेक्शन पता लग गया ना कौन कौन से लगाने हैं। हाँ वो अलग से रखे। नाक में नहीं, मटन बना हुआ है। मटन? हाँ। अच्छा अच्छा, एक बकरा डेड हो गया था। अच्छा एक बकरा मर गया था आज। हाँ। और साथ में देखिए इतनी सारी रोटियां और ओए ये बकरी का दूध, ये तो लग गया पीने। भाई साहब ये हमारा आज है तैयार, रोटी खाने का ही नहीं खाती, ये खाती है, ये पैक लगाया सब खाया खाना है। रात के 9:30 बज गए और ये यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। मैं भी चलता हूँ अब यहाँ से घर। मिलते भाई फिर कल, है ना? जरूर जरूर, तो चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों। ने दिया होगा ना आप? हाँ जी मिलते हैं। आपके मकान में तो फोन में बात कर, कोई नहीं कोई नहीं, मिलते हैं। क्या हुआ, कष्ट हो गया आपको यार? नहीं नहीं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। जैसे मैं और मेरा फ्रेंड डेरे से वापस आ रहे थे घर जाने के लिए, इनका जो बाण कुत्ता है वो एकदम से हमारे पीछे पीछे लग गया था आने हमें काटने के लिए, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि वो भौंकता नहीं एकदम से, सीधे काटता है ना। हाँ वो सीधा। और एकदम से भाई भी आ गए, अगर भाई नहीं आते तो उसने हमें मतलब काट ही लिया था। और बाण कुत्तों की ये खासियत होती है, मैंने ज़्यादातर देखे हैं ये भौंकेंगे नहीं आपको काटने से पहले, तो आपको कई बार पता भी नहीं लगता है कि काटने आ रहा है कि किस लिए आ रहा है, और एकदम से पीछे से पकड़ लेते हैं। और पकड़ते ऐसे हैं जैसे पिटबुल पकड़ता है ना, फिर छोड़ते नहीं है। छोड़ते नहीं है।